रफाल पर जारी घमासान के बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख बीरेंद्र सिंह धनोहा का बयान, बोले रफाल और S-400 देकर सरकार ने हमारी ताकत बढ़ाई, हमारे पास जरूरत के मुताबिक हथियार नहीं। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आज भी सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट ने 5 आम विचारकों की नजरबंदी 17 सितंबर तक बढ़ाई, महाराष्ट्र सरकार ने पुख्ता सबूत होने का किया था दावा। आज हार्दिक पटेल खत्म करेंगे अपना अनशन, 25 अगस्त से अनशन कर रहे हार्दिक पटेल ने ट्वीट कर दी जानकारी, किसानों की कर्ज माफी और पटेलों को आरक्षण की मांग को लेकर कर रहे हैं अनशन। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर आज सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, कानून व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश, बैठक में डीजीपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख SP त्यागी और उनके भाइयों को मिली जमानत, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दी है राहत। बिहार से लेकर असम तक महसूस किए गए भूकंप के झटके, 5.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता, असम का कोकराझार और बांग्लादेश का रंगपुर रहा केंद्र। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, चेकिंग के दौरान रोके गए ट्रक से कई हथियार बरामद, ट्रक में सवार 2 से 3 संदिग्ध हुए फरार, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में निगम और पंचायत चुनाव के टलने की आशंका, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने चुनाव के बहिष्कार का किया था ऐलान, माहौल ठीक नहीं होने की दी थी दलील। पेट्रोल डीजल के बड़े दामों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने आर्थिक मुद्दों पर लिए जाने वाले नीतिगत फैसलों में दखल देने से किया इनकार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, बैलगाड़ी पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे विधायक। उत्तराखंड में चीन का दुस्साहस, अगस्त में चीनी सैनिकों ने की थी बहातोड़ी क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश, ITBP की रिपोर्ट से हुआ खुलासा, विरोध के बाद वापस गए थे सैनिक। पंजाब में आम आदमी पार्टी को लगेगा एक और झटका, आपके MLA HS फुलका 16 सितंबर को छोड़ेंगे विधायक पद, केजरीवाल को दी जानकारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले रमन सिंह सरकार का शिक्षकों को तोहफा, 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिलेगी सैलरी। दिल्ली छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान जारी, NSUI और ABVP में कड़ी टक्कर, कल आएंगे नतीजे। महाराष्ट्र में रायगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता, समुद्र तट पर व्यापारिक जहाजों से सामान चोरी करने के मामले में एक हफ्ते के दौरान 10 लोग गिरफ्तार, 74 ड्रम बेस ऑयल किया गया बरामद। अहमदाबाद में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में काले जादू का मिला जिक्र, पुलिस मामले की जाँच में जुटी। बिजनौर में पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में फटा टैंक, हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 घायल, 2 लोगों के लापता होने की खबर। भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज ने बनाया नया रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा वनडे मैचों में कप्तानी करने वाली कप्तान बनी मिताली, अब तक 118 वनडे मैच खेले हैं। अफगानिस्तान के जलालाबाद के पास एक रैली में आत्मघाती हमला, कम से कम 32 लोगों की मौत, 120 से ज्यादा लोग घायल। और 16 सितंबर से शुरू हो रहे बिग बॉस शो से पहले ही लीक हुई कंटेस्टेंट्स की लिस्ट, सूची में भारती और हर्ष के अलावा दीपिका कक्कड़ का नाम भी शामिल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।